अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का आज के इस लाइव एनालिसिस सेशन में बहुत 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 स्वागत है। और हमेशा की तरह मैं हूँ कीर्ति अग्रवाल, योर ट्रेडिंग गाइड। तो आज के इस सेशन में आई विल गाइड यू अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कल के लिए, कल 23rd of December है, अभी 2 दिन बचे हैं इस हफ्ते में ट्रेडिंग के लिए, टुमारो एंड डे आफ्टर। तो इन 2 दिनों में हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी है उसकी हम चर्चा करेंगे। और पिछले कई दिनों से आई एम कंटिन्यूअसली टेलिंग यू, अगर आपको याद होगा विच वन वॉज दैट, आपको मैंने कल की लाइव स्ट्रीमिंग में, यस मंडे को जो हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी, इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि नहीं खरीदना है, वी आर बुलिश इन द मार्केट। और एग्जैक्टली इसी लेवल से निफ्टी टर्न हुई, इस लेवल को निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। बैंक निफ्टी का आपको याद होगा कल का सेशन, अगर जिनको याद है और जिन्होंने हमने पैसा बनाया है वो जरूर कमेंट करके अपना बताएंगे। तो यहाँ पे ये जो लेवल था हमारा कल का लो था 13131 का, इस लो की हमने बात की थी कि ये लो नहीं कटना चाहिए और बिल्कुल वो नहीं कटा। आज निफ्टी नीचे आई है, निफ्टी का लो 193 के आसपास का है, लेकिन वो लो ब्रेक नहीं किया और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसने नीचे आके दी एंड इट वेंट अप। बैंक निफ्टी में एक क्विक रिव्यू रिकैप कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं हम बैंक निफ्टी में। कल आपको याद होगा मैंने कहा था थोड़ा भारीपन अभी बाकी है, बैंक निफ्टी थोड़ा गिर सकती है, और आज बिल्कुल बैंक निफ्टी गिरी और वहां से व्हाट एन आउटस्टैंडिंग शॉर्ट कवरिंग इन द बैंक निफ्टी। और जितने भी हमारे पेड टेलीग्राम पे स्टूडेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सभी को हमने ये शेयर भी किया था। लेट मी शो यू हाउ वी डू इट। तो ये हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है और इसमें ये कल के हमारे ट्रेड से जो मैंने बताया, कल हम लॉन्ग करना चाह रहे थे नीचे के लेवल्स पे, पर एक सडन फॉल आई, फिर हमने एक बीटीएसटी ट्रेड लिया था, यस दिस वाज आवर स्विंग बीटीएसटी ट्रेड। और इसमें आज हमने मॉर्निंग में कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था और सिंगापुर निफ्टी खुलते से 167 पॉइंट्स के आसपास ऊपर दिखा रही थी। उसके बाद हमने इसमें जो हमने 275 पे खरीदा था उसको 340 के आसपास हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की। तो एक जो हमने बीटीएसटी ट्रेड लिया था उसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग की, फिर हमने इंट्राडे में 13,300 की दिसंबर एक्सपायरी की कॉल्स खरीदी, हमने कॉल्स को होल्ड किया। और सबसे अच्छी बात ये पेड टेलीग्राम चैनल की कि यू नो द रैशनली, ये देखिए हमने अपने सभी ट्रेडर्स को रैशनली बताया, रीजन बताया कि आखिर हम क्यों बुलिश हैं। यू शुड आल्सो नो द रीजन व्हाई वी आर बुलिश ऑन द पर्टिकुलर इंडेक्स और पर्टिकुलर स्टॉक। फिर हमने जब एकदम लो पे चल रही थी, बॉटम पे, तब भी यहाँ पे ट्रेडर्स को बताया कि कैसे बाजार में शॉर्ट्स ट्रैप हो गए हैं, अर्ली मॉर्निंग शॉर्ट्स, यस्टरडे शॉर्ट, और ये रिजल्ट लिख के बताया कि सिस्टम इज फुल ऑफ शॉर्ट positions created yesterday and today, this could lead to a great short covering in the second half of the day. तो इस तरीके से जब आपको कारण पता होता है कि आखिर क्यों बाजार को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्यों गिरना चाहिए, then you remain confident. और फिर towards the end we made money, we booked all our profits, and you can see this is how was my day. It was a 38,000 profit today. Yes, so all I hope you guys have made money today following the opinion, the view जो आपको कल के session में दिया था। तो before I start for tomorrow, I would like to congratulate all of you for today's profit. ठीक है, जो लाइव देखना चाहते हैं मेरा प्रॉफिट वो ये देख सकते हैं, दिस इज माय जीरोधा अकाउंट, और इसमें दिस इज द सेम 38,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट जिसका मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया। तो इसमें हमने ये वाला कॉल लिया था निफ्टी का, 13,300 की कॉल ली थी, एंड आई क्रिएटेड टू ऑप्शन स्ट्रेटजीज।
तो एक ये बैंक निफ्टी का पुट हेज था एंड दिस वाज द निफ्टी पुट हेज. तो ये दो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज थी और एक हमने नेकेड कॉल बाय किया हुआ था इंट्राडे में. तो दिस इज हाउ इट हैज गिवन मी अ 38,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट इन इंट्राडे. तो अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं क्वांटिटी मैनुपुलेशन कैसे करें. अब ब्यूटीफुल बात ये नहीं है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट से ज्यादा ब्यूटीफुल ये चीज है कि अब हमने ये जो सारे के सारे ही अगर आप देखेंगे ना, दे आर ऑल ऑप्शंस ट्रेड, इसमें कोई भी फ्यूचर ट्रेड नहीं है. ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन इज अ पार्ट ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजी. तो ये भी जो हमारा ट्रेड है, ये भी हमारा पार्ट ऑफ द ऑप्शन स्ट्रेटेजी है. और दूसरा वाला जो ट्रेड है, ये भी पार्ट ऑफ द ऑप्शन स्ट्रेटेजी है. इसमें टोटल 30,000 की इंट्राडे सॉरी ओवरनाइट कैरी में टोटल इसमें 20,000 और 30,000 की हमारी मार्जिन ब्लॉक हुई और उसपे इट हैज गिवन अस ऑलमोस्ट 6.5 एंड 3.5, ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज. तो 10,000 रुपए प्रॉफिट ओनली बाय ब्लॉकिंग अ 50,000 रुपीज ऑफ मार्जिन. और उसको कैरी भी करना चाहते तो कर सकते थे. यू कैन सी हियर आई हैव ओपन दिस टू. तो इसमें एक बैंक निफ्टी का पुट हेज था जो आज हमने 22 तारीख को क्रिएट किया था और ये निफ्टी का कल का हेज है. आज भी हमने मॉर्निंग में हेज क्रिएट किया था जो आपने अकाउंट में देखा. तो ये देखिए इसमें मार्जिन जो ब्लॉक होती है सिर्फ 24,000 हियर इन द बैंक निफ्टी. और ये भी हमने इंट्राडे में प्रॉफिट बुक किया, कल फिर देखेंगे इसको. और ये कल हमने हेज क्रिएट किया था, इसमें भी इंट्राडे में मार्जिन सिर्फ 27,000 की ब्लॉक हुई. तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज को सीखना चाहते हैं, ऑप्शंस में कैसे इंट्राडे में, क्योंकि ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ लगा के छोड़ देना, वो पैसिव इनकम ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट पार्ट. लेकिन आप चाहे तो उसको एक्टिवली भी ट्रेड कर सकते हैं, नेकेड कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज लगा के कर सकते हैं. तो उस तरीके से हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. ये हमारी पूरी डिटेल है ऑप्शंस मास्टर ट्रेडर की. और इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी क्रिसमस भी आने वाली है, 3 दिन की छुट्टी है, आप उसमें अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं. ईयर एंड ऑफर है हमारा मास्टर ऑप्शंस ट्रेडर प्रोग्राम पे. और ये 35,000 का प्रोग्राम आपको सिर्फ 28,000 में ऑफर में मिल जाएगा. तो आप में से जो ट्रेडर्स इंटरेस्टेड हैं, हमें इस नंबर पे 9171166445 पे कॉल या व्हाट्सएप करें और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. सो गाइस चलिए अब हम कल के लिए देखते हैं. कल के लिए मैंने आपके सेशन के लिए लेवल्स कैलकुलेट करके रखे ताकि आपको इजी रहे, पैसा बनाना भी इजी रहे. और आपका आपको कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कितनी ट्रेड लेनी है, वो भी आपको कैलकुलेशन माइंड में रहे. तो ऑलरेडी मैंने एक एक्सेल शीट आपके लिए लेवल्स की कैलकुलेट की हुई है जो हम लास्ट में देखेंगे. अभी पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन देख लेते हैं. सो गाइस आप में से जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो. और लाइक जरूर करें वीडियो को और अपने कमेंट्स हमें बताएं करके कि आपका कैसा रहा दिन. अब निफ्टी में हम देखें बिल्कुल ये लेवल इंटैक्ट था, यहाँ से हम ऊपर गए. ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हम साइडवेज हो गए हैं. अब ये जो बॉटम बना है, ये बॉटम बना है इस पूरे स्विंग का. अगर हम इस पूरी स्विंग को एक बड़ी पिक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो हाउ इट विल बी. एक ये पूरी लेग चली, फिर ये साइडवेज मूव थी, फिर ये लेग चली, फिर ये हमको एक डिक्लाइन मिला है. पहले हमारी ये लेग चली थी, फिर हमको ये एक डिक्लाइन मिला था. तो इस तरीके से ये वाली डिक्लाइन जो अभी हमको रीसेंट डिक्लाइन मिली है, ये एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया हमको फ्यूचर की मूव्स के लिए. अगर देखिए बाजार ने अगर ऊपर जाना है तो इसको ये लेवल नहीं काटना चाहिए जो हमने पहले भी बात की थी, दैट वाज 12,700. ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 12,430 का. तो ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए कि यहाँ पे 12,700, यहाँ पे ये जो बेस फॉर्मेशन किया था निफ्टी ने फाइनली ऊपर ब्रेक करने के पहले, इस बेस को नहीं काटना चाहिए और यहाँ से ये डिक्लाइन मिला और हम ऊपर वापस जा रहे हैं.
अब अगर हम इस ब्रेकआउट को ओवरऑल एनालाइज करें तो ये रैली चली, फिर हमको एक डिक्लाइन मिला, इसलिए हम इसमें अगर फिब एक्सटेंशन लगाते हैं, लेट मी टेक यू टू द फिब एक्सटेंशन, दिस वॉज द फॉल, ये पूरी मूव हमको मिली, कल का हाई ही स्विंग हाई है, कल का बॉटम ही स्विंग बॉटम है, तो ये प्रोजेक्शन जो आ रहा है टारगेट का छोटे टाइम फ्रेम पे 13,741, यानी निफ्टी धीरे धीरे ही सही लेकिन रिकवर होके वापस 13,750 के आसपास जा सकती है, और अगर ये इस बार हाई ब्रेक करती है तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है निफ्टी का दैट इज अराउंड 14,118. तो दीज आर द टू टारगेट्स, दिस इज योर टारगेट वन, यस दिस इज योर टारगेट वन एंड दिस इज योर टारगेट टू, दिस इज द सेकेंड टारगेट आउट हियर. तो इस तरीके से ये दो हमारे टारगेट्स हो गए निफ्टी में. लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है, देखिए अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि टारगेट क्या है, एंट्री क्या है, आपको मार्केट की चाल समझ में आनी चाहिए, आपको मार्केट में मार्केट का क्या बिहेवियर है, किस तरीके से ये बाजार काम कर रही है. अगर आपको ये बात क्लियर हो गई ना कि हाँ बाजार में क्या पैटर्न है और उसके हिसाब से हमें क्या रणनीति क्या स्ट्रैटेजी बना के रखनी है, तो आपके लिए ये लाइफ इजी हो जाएगी. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए बाजार का एक जो आज हमने अपने ट्रेडर्स के साथ शेयर किया था, उस चार्ट को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमने कैसे मार्केट को रीड करना है. दिस वाज अ पिक्चर शेयर्ड विद ऑल द ट्रेडर्स टुडे पेड ट्रेडर्स. अब देखिए हमको बाजार में ये समझना इंपॉर्टेंट है कि पहले बाजार में लॉन्ग जो थे जिन्होंने खरीदा था वो बाहर निकले, ठीक है, फिर कल लोगों ने ब्रेक डाउन समझ के यहाँ पे शॉर्ट किया, फिर से शॉर्ट किया, शॉर्ट्स को घर लेके गए, पहले तो वो आधे यहीं पे निकल गए, फिर इसने कहा आओ आओ बेचो मुझे, यस, क्योंकि बाजार वापस नीचे गिरने लगी, फिर बायर्स आए लेकिन बाजार फिर भी नहीं टिका, लो के आसपास चला गया. अब इंट्राडे वाले लॉन्ग पोजीशंस निकल गए, तो आपके वीक लॉन्ग्स निकल गए, शॉर्ट्स ऑलरेडी सिस्टम में है, देन दिस वॉज द परफेक्ट टाइम फॉर अ शॉर्ट कवरिंग रैली. तो हमने ये समझना है कि बाजार में हो क्या रहा है. अगर आपको ये समझ में आ गया कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, बाजार ओवरऑल किस तरीके से ट्रैप कर रहा है, तो आपके लिए ये काम करना इजी हो जाएगा. देखिए आई ऑलवेज टेल टू माय स्टूडेंट्स कि यू शुड नो हु इज ट्रैप्ड एंड इफ यू डोंट नो हु इज ट्रैप्ड मे बी यू आर ट्रैप्ड. मार्केट्स बाय नेचर आर ट्रैपिंग, बाजार में ट्रैप्स जब तक नहीं होंगे, क्योंकि इस बाजार में एक का मुनाफा दूसरे का नुकसान है, ठीक है, योर प्रॉफिट इज समवन्स लॉस. तो अगर एक ट्रैप नहीं होगा तो दूसरे को प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा. तो देयर इज नथिंग अगेंस्ट अस बट मार्केट्स बाय नेचर आर ट्रैपिंग एंड इफ यू डोंट नो हु इज ट्रैप्ड मे बी यू आर वन ऑफ देम. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड इट. अब इधर पे मेरे हिसाब से कैरी करने का कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई बाजार नहीं है कि गैप अप वगैरह हो जाएगा बहुत ज्यादा और एक ही दिन में ऊपर क्रॉस कर जाएगा. अब तो 22 तारीख हो गई, FIs वगैरह छुट्टी पे भी जा रहे हैं. यहाँ पे ये जो मेन एरिया है, देखिए जब तक बाजार में शॉर्ट्स नहीं ट्रैप हुए बाजार ऊपर नहीं गया, हमारा क्या कर्तव्य है अब यहाँ पे कि हम ट्रैप होने का वेट करें, है ना, और उस ट्रैपिंग के बाद हम फिर बाजार में री एंट्री करके हायर टारगेट्स को टारगेट करें, ठीक है. अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने लेवल्स को यूज करेंगे. लेट मी टेक यू टू द लेवल्स, दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो. निफ्टी आज स्पॉट में बंद हुई है 13,466 पे. अब अगर निफ्टी यहाँ से हमको इस जोन में मिलती है 13,420 से लेके 350 का जो हमारा जोन है, समवेयर अराउंड आप ये समझ लीजिए कि अगर कल के दिन में हमको निफ्टी 13,380 से लेके 50 के जोन में मिलती है, तो इस जोन में मतलब लगभग 80 से 100 पॉइंट की करेक्शन अगर बाजार में आती है, तो इस करेक्शन पे फिर हम इस बाजार में एंटर करेंगे, उसके पहले नहीं. और करेक्शन पे एंटर करके फिर हम लॉन्ग पोजीशंस को आगे ऊपर के टारगेट्स के लिए होल्ड करेंगे.
सिमिलरली टारगेट कितना रखेंगे हम इंट्राडे में? टारगेट हम रखेंगे अराउंड 548 और हम 580, यानी लगभग वही 200 पॉइंट्स का हम टारगेट रखें। बहुत ज्यादा छुट्टियों में आप टारगेट्स एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि रेंज बढ़ गई है तो 200 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स इज नॉर्मल, तो इतना हम टारगेट रख सकते हैं। बैंक एनएफटी की अगर हम बात करें, बैंक एनएफटी क्लोज हुई 29,625 पे। अब बैंक एनएफटी अगर हमको 29,450 से लेके 350 के जोन में मिलती है, मतलब करंट मार्केट प्राइस से अगर हम देखें तो लगभग 150 से 200 पॉइंट का अगर इसमें करेक्शन हमको मिलता है, ठीक है, तो इस करेक्शन पे हम बाजार में बैंक एनएफटी में री एंट्री कर सकते हैं, और इसके लिए हम टारगेट रखेंगे फिर बैक टुवर्ड्स 29,800 और 29,900, तो फिर हम यहाँ पे ये टारगेट रखेंगे। देखिए, हम उस खेमे में है जो गिरे हुए बाजार, एक बुल मार्केट में गिरे हुए बाजार में खरीदने की कोशिश करता है। सो आई ओनली शेयर विद यू व्हाट इज माय ट्रेड प्लान फॉर टुमारो, ठीक है, तो आप ये चीजें अगर फॉलो करते हैं तो यू कैन मेक मनी इजिली इन मार्केट। यस, सो लेट्स कम बैक टू द चार्ट। सिमिलरली अगर हम बैंक एनएफटी को देखें तो बैंक एनएफटी में आज की कैंडल अच्छी बनी है, लेकिन अभी बॉटम आउट हुआ है बाजार, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल भाग जाएगा, साइडवेज रहेगा। इसलिए मेरे सलाह है आप सभी को, यस वी मेड सम काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म बॉटम, लेकिन डिप्स पे खरीदने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अस। आप में से जो ट्रेडर्स हमारी ऑनलाइन पेड सर्विसेज, ये हमारी पेड सर्विसेज है, आप डायरेक्टली यहाँ से हमें पे कर सकते हैं, स्कैन करके पे कर सकते हैं, तो आप में से जो ट्रेडर्स हमारी मंथली सर्विसेज को, क्योंकि ये एजुकेशनल भी है और यहाँ पे आपको ट्रेड्स भी मिलते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें इस नंबर पे 9171166445 पे कॉल या व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।